जी अनंत, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से नतीजे आए हैं और जितनी कांग्रेस ने मेहनत की है, अगर उसको देखे तो हमको वो नतीजे नहीं मिल पाए जो हमको मिलने चाहिए थे। इसके अंदर निश्चित रूप से आंतरिक आकलन भी होगा और साथ ही साथ जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं ये भी अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह की मिसाल है, जहां पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम गायब है, इसके वजह से बीएलओ सस्पेंड किए गए, डीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, जितनी भी ईवीएम की मशीनें खराब हुई उनमें जो भी गड़बड़ी हुई वो एक पार्टी विशेष के ही हक में हमेशा गड़बड़ पाई गई है, और एक दो नहीं 77 एक दो मशीनें हों तो चलिए ठीक है, हो सकता है 77 मशीनें हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस को आर्थिक अवलोकन की जरूरत है, उनको देखना होगा कि किस प्रकार से ये नतीजे आए हैं, क्यों ये कारण रहा कि हम उतनी जगहों पे नहीं जीत पाए जहां पर हमको जीतना चाहिए था, और साथ ही साथ एक लोकतंत्र के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है इस इलेक्शन के बाद।